चैनल एंड वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। एक्चुअली आज है मदर्स डे और मुझे पता है कि ये एग्जैक्टली मदर्स डे के नेक्स्ट डे तो अपलोड होगा नहीं ये व्लॉग, तो कोशिश तो मैं पूरी करूँगी कि हो जाए, लेकिन इसलिए मैंने साथ साथ आप लोगों को बता दिया कि आज है मदर्स डे, तो मामा को हमने देना है सरप्राइज़। एंड मामा हमसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही कि हम उनको कुछ भी देंगे या एनीथिंग, कुछ भी कि हम उनको दे सकते हैं, क्योंकि मामा ने सख्ती से मना किया था कि कुछ भी नहीं करना और मुझे कुछ भी नहीं देना। तो अभी तो मामा किचन में हैं और मामा को कुछ भी नहीं पता, उनको मैं कह रही हूँ आप तैयार हो जाए, मैंने संडे का व्लॉग शूट करना है, सिर्फ संडे का, मतलब जो है केक आ रहा है और साथ पार्टी पॉपर्स का इंतज़ाम करना है, वो अभी उस पापी के साथ जाती हूँ और उसके बाद लेके आती हूँ। तो अभी हम किचन में चलते हैं, किचन में चलते हैं और मम्मा को दिखाते हैं कि मम्मा को पता तो कुछ नहीं है, फिर भी उनको ऐसे लगेगा जैसे संडे का व्लॉग शूट हो रहा है। ये है हमारे दो बच्चे प्यार कर दीजिए और मम्मा व्लॉग बना रही हूँ। तो आज का क्यों बना रही हूँ, आटे का क्यों? आटे का बना रही था कि लोगों को मैं इन्फॉर्मेशन दे सकूं कि जब आटे में सुसरी पड़ जाए वाइट कलर की तो क्या करते हैं, बताएं लोगों को क्या करते हैं, बताएं ना। गाइस मम्मा नॉट इंटरेस्टेड है आज के व्लॉग में, ठीक है फिर मैं नहीं लगाती व्लॉग कल कोई, ठीक है ना, कल लग गया, अब एक दिन छोड़ के एक दिन लगाती हूँ ना, तो अब आप आज कुछ करें ना व्लॉग में, कर्तव्य दिखाए मारे, सर्कस बनाए घर को, वो उल्लू बना दी था बेड पे चढ़ के छलांगे लगाएं, उल्लू बना ली करती है, ले दादी हमने तैयार होना तो मैं आपके कपड़े निकाल दूं, नहीं तुम तैयार हो, नहीं हो ना हमने तैयार, अब मैं आपको जबरदस्ती खींच के करूं, मैंने जाना ही नहीं कहीं, तो व्लॉग बन रहा है, व्लॉग में ऐसे गंदी बनती है, काम शाम कर लो फिर जाती हूं, नहीं आप तैयार हो के किचन में आए, लोई पे तो उनके खाने की रेसिपी बताएं लोगों को, मम्मा नॉट इंटरेस्टेड है, आज मेरा हाथ जल गया था, ये देखिए अम्मा निशान पड़ गया, दिखाओ पेस्ट लगाने के ऊपर बेटा, पानी नहीं डाला मैंने, तो पानी डाला, व्लॉग में नॉट इंटरेस्टेड है, मम्मा कह रही हैं तुम क्यों बना रही हो व्लॉग, नहीं बनाओ व्लॉग, उस अनूर को घूसे लगाओ, ये आई क्यों, मम्मा कह रही है नाम ना व्लॉग और ना ही मैंने उठ के तैयार होना, क्यों कह रही, मैंने नहीं कहीं जाना, ना मैंने कहीं जाना तो ना मैंने तैयार होना, मम्मा वखरी अपनी डाल देती है हर बार ऐसे, में बैठ के कह रही है सन सन न न, मम्मा वखरी अपनी हर बार ऐसे वो कर लेती है, को नहीं चुक गई है, फ्लावर्स और केक आ चुका है, एक सोच रही हूँ थोड़ी वेट और इट्स ओके, इतना पता नहीं चला, केक आ चुका है, दिस दिस ये वो सामान है वो जो बाहर से आए हैं ना उन्होंने सब रखा है ये सब कुछ, चलिए जब इस केक को लगाते हैं फ्रिज में और फौरन से अम्मा को करते हैं तैयार, उसके बाद हम इसकी केक कटिंग करते हैं, अम्मा कहीं बच्चों को करती है, अम्मा ने ना आटा छान के ऊपर मेरा नाम लिख दिया है, अम्मा इसमें तो सही प्रोमिनेंट होकर नज़र आ रहा है, अम्मा थैंक यू अम्मा, लेसिया पेसिया नहीं मिलानी है, हम तैयार नहीं होना, मैं आटा छान ली हूं, मेरे मेरे आटा निकाल के दी, बात चलो, मम्मा ने आटे के पीछे हाथ धो के चढ़ गई हैं, अब जब मम्मा उतरेंगे आटे से तो फिर मम्मा कुछ और करेंगे है ना, स्कूल में जाके केक देख रही हूं, मम्मा फ्रिज में गई थी, पूछे क्या करने गई थी, पूछे बगैर फ्रिज में, फ्रिज में आ जा मम्मा, आप क्या करने गई थी फ्रिज में, मैं तो गई फ्रिज में, बकवास बंद कर, आटा गूंद के फ्रिज में क्या करने गई थी, ये देखे आटा गूंद रही थी मैं, ये लो फ्रिज में क्या करने गई थी, चलो मम्मा मेरा बदतमीजी नहीं करो, मुझे बताओ पहले फ्रिज में क्यों गई थी, पहले आप बताएं, वो देखो उसने नीचे गिराया पकड़ा है, तो बताएं फिर फ्रिज में क्यों गई थी, तेरा सर फाड़ने गई थी फ्रिज के लिए, अभी इतने प्यार से लगी थी साथ ही गुस्सा आने लग गई है, कोई बात नहीं, क्यों वाए, मैं तैयार हो चुकी हूँ और ये हूँ मैं, ये सूट आपने कहीं ट्रोजर को इग्नोर कर रहे हैं, जूते को भी, तो अब प्रोग्राम कुछ ऐसे है कि मम्मा ने बालों में हेयर कलर लगाया हुआ है
मम्मा है, ये उसवापी हैं, कलर कर मम्मा हेयर कलर लगा के बैठी हुई है। बाय रही है मर्सी और ये है मर्सी का खाना। ए मर्सी ये जगह है, सो रही हो, उठना नहीं है। मेरा बर्तन टूट गया था, ये नया है और इसमें उसका थोड़ा खाना आता। हड्डी चुबाई है मर्सी, वो भी पड़ी है लिएगा। ऐसा अगर किसी का मुंह इसके हाथ इसके मुंह में आ जाए मर्सी, तुमसे तो डर लग रहा है। केक वगैरह कट गया और मेरी बहन का व्लॉग मैंने बना दिया। मेरी बहन ने कहा मम्मी की मेरा व्लॉग खोलने की, तो मैं बना दूंगी। अम्मा से तुम एक बार खिलाए ना, अम्मा से तुम एक बार खिलाए ना। अल्लाह मेरी बहन बहुत ज्यादा इस बार बांदर बन के बैठी है। चलो अब वो कुछ भी नहीं खाया उन्होंने आज। चलो जी मेरा नूर मैं इधर बैठी हूँ, तो मम्मा नहाती नहीं है, इसी बहाने हो जाए। बस कर दे उसको, अभी नहा के निकली हूँ, झूठ देख ले व्लॉग में बोली जा रही है मम्मा नहाती। कैमरा आपका, कैमरा आपका भी जाना मेरा भी जाना। नहीं करना है, अपनी आंखों में पट्टी बांध ली है, कुछ कर लो आप, आज आपकी हमने वाली है मेरे पास। नहीं मेरे बड़े पैसे लग गए हैं किसके पास है पता नहीं, इधर ही पड़ा था। मामू चले गए, रोटी लेके आयो मामू, बार रोटी आई है वो निकल नहीं रहा। अम्मा तो सर्द हो रही है साथ ही ना यार, मेरे साथ ना खड़ी, मेरे वो कपड़े वाइट है, ये देख दुपट्टे पे निशान करे करे, ये कॉपी कर दे बिलावल पकड़ ले, ये देख ले कसम अल्लाह बट और दे तो मेरे नीचे देख, छोड़ दे यार, आंखें बंद कर ले, अल्लाह की कसम ये दे आंखें बंद कर ले। गाइस एक साल, 74 महीने कुल्लू मना ले, कुल्लू मना ले के बदले इन तमाई खाना पालो पे ना करी, मुंह पे करा ले ना कर यार, मैंने मकसद काम करना है अभी, मुंह पे करा ले, पता है ना कितना गंदा ही है। ओके गाइस ना कर, मेरा वाइट सूट है गाइस, पकड़े गाइस पकड़े, ओहो क्या कर रही हो सुबह, कभी तो हाथ है मेरे हाथ में अक्सर कैमरा होता ना मैं इनको पकड़ ही नहीं पाती। इन तमाई कर अब ये इन तमाई सुबह का पकड़ा है जी तीनों ने मिल के, सॉरी दोनों बहन भाइयों ने मिलके उसवा की खैर नहीं, आप उसवा के बाल दे। वैसे तलहा कहती है, तलहा तुमने आगे भी उसवा के ऊपर किया है, तलहा गंदा तलहा, मेरा पकड़ के तू अपना खाने जाना है। हाँ यार मेरा बहुत ही आ
गाइस ये हमारे खाने के आ गया है और ये आ गया उस वन ईयर ने मंगवाया था ये। मम्मा आ गए, फिर हम खाना शुरू करते हैं और खाना खाने के बाद केक वगैरह तो कट गया है, फिर हम केक खाएंगे, पार्टी करेंगे। पार्टी मदर मम्मा न्यू आई हैं पिज़्ज़ा ले हैं काटने, फिर मम्मा डाले और हमें भी खिलाएं। पेप्सी फ्रिज में है, ठीक है चलो आज मेरा चिल्ली सॉस लेके आओ। तो गाइस खाना वगैरह खा लिया है, बर्तन भी उठा लिए हैं और यहाँ पे मैं इस व्लॉग को एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा और मज़ा आया होगा। तो इस व्लॉग के एंड में मैं आप लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि हैप्पी मदर्स डे। सब मदर्स को, सब अम्मियों को अपनी अम्मी का ख्याल रखा करे। ज़रूरी नहीं है कि आप सारे साल के एक ही दिन में उनको ख़ास बनाएँ, अम्मियों के लिए तो हर दिन ही ख़ास होता है। तो जो बच्चे भी अपनी मम्मा को तंग करते ना करें। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा। यहाँ पे मैं एंड करती हूँ। आप लोग अपनी मम्मा का ख्याल रखा करें, अपनी मम्मा को खुश रखा करें। आप लोग कुछ बच्चे होते हैं ऐसे जो साल के एक ही दिन में अपनी अम्मी को इम्पोर्टेंस देते हैं। अम्मी एक बहुत प्रीशियस चीज़ है जो कि इस दुनिया में सबके पास नहीं है, और पापा भी एक बहुत प्रीशियस चीज़ है जो सबके पास नहीं है, लेकिन जिसके पास है उसको कदर करनी चाहिए। तो अब जिसकी अम्मी, जिसकी मदर इस दुनिया में नहीं है, वो इस दर्द को जानता है। जिसके फादर इस दुनिया में नहीं है वो भी ये सब कुछ जानता है, जिसके फादर जिसके पास नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग आज से अपनी अम्मी का ख्याल रखा करें, अपनी अम्मियों का हर दिन ही ख़ास रखा करें। पेरेंट्स एक लाइफ की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको आप लोगों को संभाल के रखना है। आप लोगों को अपनी अम्मी अबू को एक साथ रखना होता है। इस दुनिया में हर किसी के पास अल्लाह ताला की ये दी गई नेमत नहीं है। किसी के पास मदर है, किसी के पास फादर है, और किसी के पास फादर है तो मदर नहीं है, मदर है तो फादर नहीं है। तो जिसके पास दोनों हैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करें, उनकी लंबी ज़िंदगी को, उनके सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी की दुआएँ किया करें, और अपनी अम्मियों का, अपने फादर्स का, अपने मदर और फादर का ख्याल रखा करें। ये दोनों चीज़ें लाइफ की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो अल्लाह हाफिज़ यहाँ पर।